अमली तौर पर आजादी मार्च में शिरकत करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बिलावल भुट्टो की हिदायत। एहतसाब अदालत में बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात। मौलाना के आजादी मार्च पर क्या कहेंगे सहाफी का सवाल। इंशाल्लाह हमारी दुआएं उनके साथ हैं। आसिफ अली जरदारी का जवाब। जजेस पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी पर गौर किया जाएगा। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के 6 जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी पर भी गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे सकर्दू की तैयारियां मुकम्मल। जलसागाह सज किया। सकर्दू में मौसम की खराबी के सबब परवाज ताखीर का शिकार। वज़ीर-ए-आज़म 12 बजे तक सकर्दू पहुंचेंगे। जलसे से खिताब में अहम ऐलानात करेंगे। अंगड़ाई। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ओकाड़ा समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी की छुट्टी। बनू में बारिशों के पानी ने सैलाब की सूरत इख्तियार कर ली। आज आजाद कश्मीर गिलगित में भी बादल बरसने की पेशगोई। एक्शन होता है। डेप्टी कमिश्नर गुजरात ने अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल में डीएमएस डॉक्टर आसिफ की खवातीन के साथ बदतमीजी का नोटिस ले लिया। खुरम शहजाद का कहना है कि वाकये का इल्म नहीं था। 24 न्यूज पर खबर देकर नोटिस लिया। डीएमएस आसिफ के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। और अपनी सवारी अपना राज। ट्रांसपोर्ट की टेंशन ना इंतजार का झंझट। पाक पतन के दही इलाकों के तालिबात को साइकिलें मिल गईं। बच्चियां साइकिलों पर स्कूल पहुंचकर तालीम हासिल करने लगी। सड़कों पर साइकिलें दौड़ाती तालिबात तब्दीली का बायस बनने लगी।